कोई भूख 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 तो लग रही है, मतलब इट्स लाइक एडिबल एडिबल एडिबल। हाय गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर हैविंग एन अमेजिंग डे। सो गाइज, मैं अभी एक और चैलेंज करने जा रही हूँ जो कि है ओनली लिक्विड चैलेंज, मतलब जिसमें ओनली लिक्विड लिक्विड इंटेक करते हैं। ये चैलेंज ऑलरेडी गोपाली दी कर चुकी है, मैंने उनके चैनल पर देखा था। एंड आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने मुझे कॉमेंट सेक्शन में बोला था, जो मेरे पुराने चैलेंजेस हैं, मैंने और भी काफ़ी सारे चैलेंजेस किए जिनका प्ले लिस्ट आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। फूड चैलेंज है एंड मतलब देख लेना आप लोग, तो उसमें मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था कि मैं ये वाला चैलेंज करूं, तो बस मैं आ चुकी हूं। मैंने इतने दिनों से कोई भी फूड चैलेंज नहीं किया था, जस्ट बिकॉज मैं जेन्युइन हमारे फास्ट चल रहे थे, तो इस वजह से मैं कोई भी फूड चैलेंज नहीं कर पाई थी, लेकिन ख़त्म हो गए वो कल ही, तो मैं आज आपके सामने आ गई हूं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया, तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि घंटी बज सके आपकी फ़ोन की, आने इस वीडियो को लाइक करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सुबह जब मैं उठी थी, तब मैंने अपना एप्पल साइडर विनेगर पिया था, जो कि मैंने काफ़ी टाइम बाद पिया था। थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि इतने टाइम से मैंने पिया नहीं था। एंड उसके बाद मैंने अपना शावर ले लिया एंड अभी मैं पीने जा रही हूँ, जो चाय है मेरी वो मैं पीने जा रही हूँ। एंड मुझे चाय काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मतलब कॉफ़ी भी पीती हूँ लेकिन मुझे चाय भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो चाय लवर्स हिट लाइक। तो चलो मैं चाय भी पीने वाली क्योंकि मुझे लग रही बहुत तेज़ भूख। एंड मुझे चाय के साथ कुछ मछली वगैरह सब कुछ खाना पसंद है, बट आज मैं नहीं ले सकती हूँ, तो अभी सब चाय। सो गाइस, मैं फिर से वापस आ चुकी हूँ एंड मैं आपसे करीब एक से डेढ़ घंटे बाद मिल रही हूँ। एंड अब मैं पीने जा रही हूँ मेरा जो लाइम जूस है वो, एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख ही लग रही है। एंड बस अभी मैं उसको पीने जा रही हूँ, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, कितनी बार बोलूँगी मैं। एंड इसको शेक कर लूँ, ये मेरे फ्रिज में अवेलेबल था तो बस मैं इसको पी रही हूँ, अदरवाइज मैं पता नहीं क्या पी रही होती। इट्स एक्चुअली नाइस। कौन सी कोल्ड ड्रिंक होती है, आई थिंक लिमका, पता नहीं कोई तो भी कोल्ड ड्रिंक होती है, पता नहीं कौन सी, निम्बूस ऐसा कुछ तो भी कोई कोल्ड ड्रिंक होती है, बट इसमें जो है ना वो थोड़ा सा बहुत सिर्फ फिजी वाला नहीं है, ये प्रॉपर लाइम जूस जैसा लग रहा है, बट टेस्ट वही है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, मतलब इफ आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक्चुअली मैं मेरे लिए लिक्विड्स पर रहना एक दिन के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं चलते फिरते कुछ ना कुछ खाने वाली बंदी हूँ। किचन में थोड़ा सा कहीं कुछ तो भी खा लिया, मैं उस टाइप की बंदी हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे तो भी ओनली लिक्विड्स पर रहने वाली हूँ, क्या क्या पीने वाली हूँ, आई डोंट नो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप भी ऐसी हो क्या कि कुछ ना कुछ खाती रहते हो, थोड़ा बहुत इधर उधर के खा लिया कुछ खा लिया, ये वैसे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, सो सॉरी फॉर माई दीज आईब्रोज, अभी मैं इनको बनवाने जाऊंगी। एंड अभी हो चुका है लंच का टाइम एंड वो जो मेरा लेमनेड था वो बहुत ज़्यादा बकवास था, मुझे कुछ तो भी अजीब अजीब सा हो रहा है उससे, आई डोंट नो, वो बहुत ज़्यादा बेकार था। एंड अभी मैं बनाने जा रही हूँ मेरा नॉर सूप, आप देख सकते हो ये जो है ये आधा है, मैंने काफ़ी पहले बनाया था, काफ़ी पहले नहीं अभी कुछ दिन पहले बनाया था, देन मैं इसको सील पैक करके रख दिया था, तो मैं इसको वही बनाने वाली हूँ जो बचा हुआ, क्योंकि एंड बस आई एम स्टार्विंग राइट नाउ, देखते हैं आगे आगे कैसा दिन होता है। वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो ये वाला इमोजी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ये आज की वीडियो का इमोजी है। तो चलिए मैं इसको फटाफट से बनाती हूँ, देन मैं इसको पीऊँगी। सो गाइज, मेरा जो सूप है वो बन के दिख रहा है ना, वो ऐसे ब्लिंग 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 हो रहा है, वो बन के तैयार हो चुका है, मैंने इसको ज़्यादा ऐसे किया तो फैल जाना है, बहुत गर्म है। तो जो मेरा सूप है वो तैयार हो चुका है, ये जो मग है शायद आप पहचान रहे होंगे, ये है SJ मर्च, जो श्रेया जैन दी ने लॉन्च किया है उनका जो मर्चेंडाइज है वो, उसमें से मैंने ये मग मंगवाया था। पहली बार मैं इसको यूज़ कर रही हूँ एंड मुझे काफ़ी पसंद आया, तो आप इसको मंगवा सकते हो आप चाहो तो। एंड बस मैं भी अपना लंच करूँगी, जो कि मेरा सूप है वो अच्छा बना है। यहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही है तो इसलिए मैंने सोचा यार
सूप इस टाइम ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे भुट्टा खाने का मन करा था लेकिन वो मैं खा नहीं सकती हूँ क्योंकि बारिश में भुट्टा काफ़ी अच्छा लगता है एंड सूप भी अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा सूप पी लेते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं। क्या बात करूँ, मुझे सूप पीते हुए देखो, कुछ आप ही उठा लो, खा पी लो। सो यस गाइज, मैं आ चुकी हूँ वापस मार्केट से। मैं गई थी अपनी आईब्रोज बनवाने, क्या आप देख सकते हैं नहीं बनी है क्योंकि आंटी थी नहीं, पार्लर वाली आंटी। एंड मैं गई थी कुछ शॉपिंग करने, मुझे कुछ काम है तो मैं उसके लिए गई थी। एंड मुझे मेरा ये मैंने मार्केट से परचेज नहीं किया, ये मुझे पार्सल मिला है मेरा बेनिफिट का, मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है ये। मेरे पास कोई भी बेनिफिट का मेकअप प्रोडक्ट नहीं था लेकिन ये मेरा फर्स्ट बेनिफिट का गिव मी ब्रो प्लस, मैं बता दूंगी क्या है ये, बैक कैमरे से आप लोग देख लेना, ये है। तो मैं कल अपनी आईब्रोज बनवाऊंगी, देन मैं इसको ट्राई करूंगी। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इफ आप चाहते हो इसको कुछ तो भी देखना, मतलब जब मैं इसको यूज़ करूँगी पहली बार, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इसका छोटा मोटा रिव्यू दूंगी। काफ़ी क्यूट सी इसकी छोटी सी पैकेजिंग है। सो मुझे 4 से 5 घंटे हो गए मार्केट में, मुझे काफ़ी काम था। तो मैंने वहाँ पे पिया था कोकोनट वाटर, जिसका मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई जस्ट बिकॉज मेरा फ़ोन डेड हो चुका था। एंड दूसरी चीज़, वहाँ पे हल्की फुल्की बारिश भी हो रही थी तो मैंने सोचा यार क्यों फ़ोन रिस्क पर लगाया जाए, वैसे भी वो मरा हुआ है, मतलब डेड था, चार्ज नहीं था तो कोई मतलब नहीं था। तो मैंने अपना जो कोकोनट वाटर था वो शांति से मैंने पी लिया था। एंड अब मैं पीऊँगी पानी, देन मैं अपनी वीडियोज़ फिल्म करूँगी कि मेरा टमी अभी फुल है कोकोनट वाटर से, तो मुझे सच कोई भूख तो लग रही है, मतलब इट्स लाइक एडिबल। आई एम सॉरी, अनसब्सक्राइब मत करना। सो यस गाइज, आई एम डन फिल्मिंग माई वीडियो। अब मैं कुछ पीऊँगी, ऑब्वियसली खा तो नहीं सकती मैं, अब कुछ पीऊँगी जाकर। अभी मैंने सच कुछ सोचा नहीं है। चलिए, कितने गंदे बाल हो रहे हैं। सो यस गाइज, मैंने जो मेरा वीडियो है वो फिल्म कर लिया है। मैं आपको टॉपिक नहीं बताऊँगी जस्ट बिकॉज वो इस वीडियो के बाद में ही आएगा, ये वीडियो आपको नेक्स्ट डे ही देखने को मिल जाएगा। एंड ये जो मैंने अभी अभी शूट किया है वो आपको पता नहीं कब देखने को मिलेगा। सो गाइज, आप देखो मेरे फेस पे कितना बढ़िया सा ग्लो है। मैंने आज सच कोई मेकअप नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपना क्रीम लगाया नॉर्मल। एंड आज सच मैं कोई मेकअप करती नहीं हूँ, काफ़ी अच्छा सा ग्लो है, कोई भी हाइलाइटर नहीं है। आई थिंक मैं कॉफ़ी बनाऊँगी, मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसे हो रहा है, मतलब ऐसा होता है ना कि हम पानी में भी हो पूरे पूरे टाइम, तब मुझे वैसा वैसा हो रहा है मेरे पेट में, काफ़ी अजीब सा लग रहा है। तो चलिए बस, अब मैं बनाती हूँ कुछ तो भी कॉफ़ी बनाऊँगी मैं भी। एंड बस चलिए, आपको ले चलती हूँ। क्या ग्राइंडर वाली बनाएगी? बोल कैसी पिएगा वैसी बना दूँगी। ग्राइंडर वाली कोल्ड कॉफ़ी ना तू बना दे। ओके, बना रही हूँ। सो गाइज, राइट नाउ इट्स 8:30 एंड मेरे घर पे थोड़ा डिम सोने का माहौल हो चुका है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रही हूँ। मेरे घर पे सब जल्दी ही सोते हैं। कोई पहाड़ तोड़ते हुए कॉफ़ी नहीं बनाती मैं, काफ़ी इजी से कॉफ़ी बनाती हूँ। मैं दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ, बताना आप लोग कैसे बनाती हूँ। मैं दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। Bro, have this. Le? So, एक सेकेंड मेरी कॉफी बन चुकी है। एक सेकेंड, इसमें सो यस, जो आइस क्यूब्स है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मतलब काफ़ी ज़्यादा। मैं आइस क्यूब्स ऐसे ही खा जाती हूँ बिना किसी ड्रिंक वगैरह के, मतलब कि बिना किसी चीज़ में डाले मैं ऐसे ही सूखे खा जाती हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है आइस क्यूब। सो यस गाइस, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं।
काफ़ी ज़्यादा हैवी फील हो रहा है मुझे. सो ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक टू सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब करके जाना. मैंने काफ़ी सारे चैलेंजेस किए यार, देखो अगर नहीं देखा तो यार थोड़े बहुत एफर्ट्स लगते हैं. यस गाइस स्टे ट्यून, बाय बाय एंड बाय 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 बाय. कलर चेंज हुआ था ना. ओके मैं देखूँ यहाँ पे गाइस, बाय.